नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली, सभी को गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं और मैं हूँ अभी कसैलेग मार्केट में। मुझे जाना है मुक्तेश्वर की तरफ को, तो अभी आपको नज़ारे दिखाता हूँ और मुक्तेश्वर घाटी की तरफ मौसम दिखाता हूँ मैं, किस प्रकार अभी मौसम दिखाई दे रहा है सुबह के टाइम में। ये कुछ नज़ारे थे, तो दोस्तों ये देखिए सामने है मुक्तेश्वर घाटी और जो मौसम है आज क्लाउड आए हुए हैं, धूप भी आ रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही है आज, और कुछ इस प्रकार का मौसम अभी दिखाई दे रहा है सामने मुक्तेश्वर की तरफ को। तो चलते हैं हम मुक्तेश्वर मार्केट की तरफ को। तो फ्रेंड कसैलेग से निकल चुके हैं, अभी पहुंच रहा हूं गंगवा चौर पे, और देखिए जो लोहार ये काम करते हैं यहां पे बर्तनों का, किस तरह से रह रहे थे ठंडे पे। मुक्तेश्वर 7 किलोमीटर है यहाँ से, तो चलते हैं आगे की तरफ को। ये रॉयल मार्ट यहाँ पे, मुक्तेश्वर भटेलिया मार्केट पहुंच चुके हैं, यहाँ से 6 किलोमीटर है दोस्तों। अभी है मुक्तेश्वर, ये जो एरिया है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये सामने निर्वाणा ऑर्गेनिक किचन, तो ये एरिया है सरगाखेत का एरिया और काफ़ी डेवलप एरिया है यहाँ का। ये बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, कैफ़े इसी एरिया में आपको मिलेंगे, जो मुक्तेश्वर में मेन, मुक्तेश्वर में जो होटल्स वगैरह हैं सारे मेन सरगाखेत तक आपको मिलेंगे, साईं मंदिर तक आपको बढ़िया। ये पास में साईं मंदिर है दोस्तों, ये साईं मंदिर, यहाँ तक आपको बड़े होटल्स मिलेंगे, इसके बाद होटल वगैरह नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत मुक्तेश्वर एरिया में मिलेंगे आपको, मुक्तेश्वर मार्केट के आसपास में। और खूबसूरत जंगल, बाजू के जंगल और देवदारों के जंगल, यहाँ से लगभग मुक्तेश्वर मार्केट तक, जो मोहन मार्केट है, मोहन बाज़ार बोलते हैं, वहाँ तक आपको खूबसूरत ऐसे ही घने जंगलों के बीच से होते हुए आपको सड़क मिलेगी जिस पर अभी हम जा रहे हैं। देखिए तो दोस्तों फाइनली मुक्तेश्वर की जो मार्केट है, मेन मार्केट मोहन बाज़ार इसको बोला जाता है, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। थोड़ी बहुत मार्केट है, थोड़े बहुत लोकल्स हैं यहाँ पर रहते हैं, और जो आसपास के बाहरी लोगों ने अपने कॉटेजेस बनाए हुए हैं, थोड़े बहुत होटल्स हैं, तो इन्हीं मार्केट से उनका सारा सामान मिलता है। और मैं जा रहा हूँ अभी टेम्पल की तरफ, व्यू देखिए ऊँचाई से क्या व्यू आ रहा है, मस्त व्यू आ रहा है अभी देखिए सामने। तो दोस्तों मैं पहुंचने वाला हूं फाइनली, यहां पे ही मुझे रुकना है, और यहीं पे एटीएम है और बैंक है एसबीआई का, ये गोल चक्कर यहां पे मुक्तेश्वर का एक आता है, तो दोस्तों ये है वो गोल चक्कर, और पास में है एसबीआई का हमारा बैंक, तो वहां से पैसे निकालने हैं अभी। और देखिए आसपास का इन्वायरमेंट, आसपास की लोकेशन, मस्त व्यू आ रहा है, खूबसूरत घने देवदारों के बीच देखिए। और थोड़ी सी दूर में यहाँ पर मंदिर है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो ये गोल चक्कर है यहाँ पर हमारा बैंक है, बैंक से थोड़ा ऊपर और जाने पर मंदिर, मेन मुक्तेश्वर मंदिर का आपको गेट दिखाई देगा, मस्त देवदारों के बीच में काफ़ी ऊंचाई पर यह बसा हुआ क्षेत्र है। ये देखिए दोस्तों इसकी ऊंचाई लगभग 2250 मीटर है, जहाँ पर अभी हम मुक्तेश्वर पर खड़े हैं, और मस्त यहाँ पर आपको घने जंगल देखने को मिलेंगे देवदार और बांस के, और मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो रखा है, क्लाउड छाए हुए हैं आसमान पे। और ये हमारा बैंक जहाँ से हमने पैसे निकालने हैं वर्करों के लिए। और ये वो बैंक है मैंने आपको बताया, और पास में यहीं पे IVRI एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, और काफ़ी भारी मात्रा में दोस्तों यहाँ पे साल भर में सैलानी यहाँ पे आते हैं, और काफ़ी बढ़िया मात्रा में यहाँ पे टूरिज्म क्षेत्र है ये। और यहाँ ये जो ये रोड देख रहे हैं, यहाँ से लगभग थोड़े चंद कदमों पे ऊपर आपका मुक्तेश्वर टेम्पल का गेट दिखाई देता है। तो ये कुछ नज़ारे हैं दोस्तों मुक्तेश्वर के आज, मैं भी काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर तक आया हूँ, अभी मंदिर तो जा नहीं पाएंगे आज क्योंकि टाइम नहीं है, वापस जाना है। और ये सामने है IVRI जो रिसर्च सेंटर मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ भी घूमने की काफ़ी बढ़िया जगह है, आप भी ज़रूर यहाँ पर आइए। अभी बज रहे हैं 2:30 और मैं हूँ चकोटा साइड पे, चकोटा साइड पे आज काम हो रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ चकोटा यहाँ पे काम क्या हो रहा है। और जो व्यू आ रहा है अभी देखिए, मस्त व्यू आ रहा है ऊपर, बढ़िया क्लाउड आसमान में और खुला व्यू। सुबह से बारिश नहीं हुई है, कल रात बारिश हुई थी, चिनाई का काम तो यहाँ पर हो नहीं पा रहा है, जो काम हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू देखिए, काफ़ी मस्त व्यू देखने को मिल रहा है अभी। तो फ्रेंड ये है वो चकोटा साइड जहाँ आज रिटेनिंग वॉल चिनाई का काम तो हो नहीं रहा है, हमने चिनाई परसों कंप्लीट कर दी थी, 3 दिन लगातार बारिश होगी, उसके ऊपर हमने पॉलीथीन तिरपाल रख के उसको ढका हुआ है, आज चिनाई हो नहीं पाई है क्योंकि देखिए कितना गीला है आसपास।
रोड देखिए, लगातार बारिश, कल रात भी बारिश हुई, कल दिन में तो मौसम बढ़िया था, आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा। तो अभी ऊपर से जो हमारे ईंट थे, ऊपर से ईंट लाए जा रहे हैं, और ये जो कॉलम देख रहे हैं इसके बगल से यहाँ से चिनाई उठेगी, ईंटों की दीवार उठेगी, और जो ऊपर एक कोना दिख रहा है आपको, ये हल्का लेंटर जैसा यहाँ पर आ जाएगा, इस पर लेंटर आ जाएगा, इतनी हाइट ईंटों की दीवार लगेगी। तो इस प्रकार अभी यहाँ पर काम हो रहा है, मैं ऊपर चलता हूँ, ऊपर थोड़ा मिट्टी फिलअप करी जा रही है, वो आपको दिखाता हूँ। तो इस प्रकार अभी काम हो रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, जो मिट्टी फिलअप करी जा रही है, आगे रिटेनिंग वॉल कंप्लीट हो चुकी है, दीवार कंप्लीट हो चुकी है, पीछे मिट्टी भरी जा रही है, फिर इस पर सारी मिट्टी जब कंप्लीट हो जाएगी तो एक प्लंथ एरिया निकल जाएगा, एक बढ़िया फ्लैट प्लॉट आपको मिलेगा जिसपे बाद में घर बनाया जाएगा, और मस्त व्यू आ रहा है अभी देखने को। तो इस प्रकार यहाँ पर काम हो रहा था फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया फ्रेंड, हमारा वहाँ पर काम चला हुआ है, जो मिट्टी फिलअप कर रहे हैं, हम मैंने अभी आपको दिखाया, और बड़ी मुश्किल से आज धूप आ रखी है, बड़ी मस्त लग रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, काफ़ी मस्त धूप आज दोपहर के समय में खिली हुई है। मैं हूँ अभी ऊपर मंदिर के साइड में, ये सामने हमारा जो मंदिर है सेमजी महाराज का मंदिर, और चकुटा गांव पे मैं हूँ अभी। मस्त धूप आई हुई है, बढ़िया लग रहा है, अभी काफ़ी दिनों बाद इस तरह की धूप देखने को मिलता है, थोड़ी देर धूप सेकता हूँ। तो दोस्तों 4:30 बजे का समय हो रहा है, इस प्रकार का हमारा दिन भर का ब्लॉग था, और इस प्रकार हमारा यहाँ पर काम हो रहा था, धूप भी सेक ली, मस्त व्यू भी आ जा रहा है, मस्त लगा आज दिन भर। तो मिलते हैं अपनी अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।